हाय गाइस, वेलकम बैक टू बेसिक एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक महिला के बारे में जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा चतुर्वेदी, जो हमारी मैम है, जो हमारी इस वक्त डायरेक्टर है नारायण सिंह कॉलेज की। इनके डायरेक्टर बनने की जर्नी जीएनएम से स्टार्ट हुई जब इनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में कानपुर में हुआ। जीएनएम कोर्स कम्प्लीट होने के बाद इनकी फर्स्ट पोस्टिंग लखनऊ में एज अ स्टाफ नर्स हुई। इसके अलावा इन्होंने वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग भी किया। इसके अलावा जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में एज अ स्टाफ नर्स एलएलआर हॉस्पिटल में काम भी किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने साइकेट्रिक डिप्लोमा रांची से किया और सिस्टर इंचार्ज और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पर भी इन्होंने काम किया है। फिर कानपुर में ही कृष्णा नर्सिंग कॉलेज में एक साल के प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत रही। इसके अलावा आज हमारे कॉलेज नारायण मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हैं। नर्सिंग फील्ड में इनका कुल 40 सालों का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे यूनिवर्सिटी की एग्जामिनर भी रह चुकी हैं। यहाँ तक कि कानपुर यूनिवर्सिटी की अभी भी एग्जामिनर हैं। चूंकि इन्होंने एमएससी नर्सिंग सीएचएन से किया है और एक्सपीरियंस के बेस पे इन्होंने जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए एक बुक भी लिखा है जो कि सीएचएन फर्स्ट की बुक है। बुक का जो पैटर्न है वो आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आज का ये वीडियो स्पेशल डायरेक्टर मैम के लिए था। डायरेक्टर मैम की कहानी उनके मुँह जबानी सुनिए। मेरा नाम श्रीमती इंद्रावती चतुर्वेदी है और मैंने जीएनएम की पढ़ाई, जीएनएम ट्रेनिंग मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूएचएम जो कि कानपुर में है वहाँ से मैंने किया। उसके बाद हम लोग के ज़माने में 1975 में मैंने एडमिशन लिया था और हम लोग के ज़माने में जो है वो 6 मंथ्स की मिडिफ्री अलग से होती थी, जो कि मैंने 6 मंथ की मिडिफ्री हमने लखनऊ गोलागंज से किया। उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एज ए स्टाफ नर्स स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज दुड़ियागंज लखनऊ में हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ पे रहते हुए ऑन डेपुटेशन गवर्नमेंट की तरफ से मैंने वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स किया 3 मंथ्स का 1983 में। फिर उसी कंटिन्यूएशन में मैंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया 84 से 86 में मैंने पास आउट किया। उसके बाद मैंने अपना ट्रांसफ़र एलएलआर हॉस्पिटल या जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में कराया जहाँ पे मैं स्टाफ नर्स रही। उसके बाद मैंने 2001 में मैंने अपना साइकियाट्रिक डिप्लोमा सीआईपी काफे रांची से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सिस्टर इंचार्ज रही और उसके बाद मैं गवर्नमेंट में ही मेरे को प्रमोशन मिला और मैं गेस्टेड अधिकारी बनी, जिसमें कि मैं नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट प्लस प्रिंसिपल ट्यूटर का भी मुझे पद मिला और मैंने अपनी सर्विसेज दी वहाँ पे। उसके बाद मैं 31 मई 2017 को मैं सेवानिवृत्त हो गई और वहाँ से निवृत्त होने के बाद मैंने कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अपना जॉब एक 1 ईयर के लिए किया। उसके बाद मैं नारायणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एज ए प्रिंसिपल 2 साल वर्क किया और उसके बाद अब मैं डायरेक्टर के पद पे नारायणा मेडिकल कॉलेज में हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि हमारा नारायणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद मेरे को ये लगा कि मैंने मेरे जूनियर्स लोगों ने किताबें लिखी जो मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो इतनी सीनियर हूँ और मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। तो मुझे चांस मिला और 2-3 लोगों के सहयोग से मैंने बुक्स लिखी और मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी मैं यही चाहती हूँ और मैं आगे सेल्फ किसी के साथ नहीं, मैं सेल्फ एक किताब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का लिखूँगी और जिसमें मैंने वो मास्टर नर्सिंग भी किया हुआ है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, तो मैं इसी पे एक बुक्स लिखने वाली हूँ जो कि जीएनएम लेवल पे लिखा गया है। और उसमें सबसे मेन चीज़ है कि आपकी भाषा को देखते हुए, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है, आप उसको अच्छे से पढ़ें और वो आपके लिए यूज़फुल है और जो भी इसमें यूनिट लिया गया है
वो अकॉर्डिंग टू द INC सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिखा गया है।